नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल मूवी फिक्सिट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे EMMC की जो RPM भी है उसे क्लीन करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप और आपकी फैमिली स्वस्थ हो, और अगर आप लोग कभी बाहर जाते हो तो मास्क और सैनिटाइज़र का यूज़ करें। दोस्तों, अभी भी कोरोना ने हाल नहीं छोड़ा, और मैं भी एक प्रॉमिस करता हूँ कि जब तक आप मोबाइल रिपेयरिंग अच्छी तरह से ना सीखे, मैं भी हाल नहीं छोड़ूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बता दूं कि मेडुसा प्रो 2 में सिर्फ सैमसंग की ही RPM भी क्लीन होती है, इस बात का ध्यान रखें आप लोग। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, RPM भी क्लीन करने का टोटल 14 स्टेप है। तो पहले आपको मेडुसा प्रो 2 सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है, और फिर आपको देखना है कि EMMC का जो ऑप्शन है वहाँ पर ऑटो क्लिक हुआ कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो आप वहाँ पर क्लिक कर लो। उसके बाद आपको EMMC को मेडुसा प्रो 2 बॉक्स में लगाना है। तो दोस्तों, आपको EMMC को मेडुसा प्रो 2 बॉक्स में लगाने से पहले आपको उसको अच्छी तरह से क्लीनिंग कर लेना होगा। तो मैं यहाँ पर EMMC को अच्छी तरह से क्लीनिंग कर लेता हूँ पहले, और उसके बाद आपको मैं मेडुसा प्रो 2 बॉक्स में लगा के कनेक्ट कैसे करना है वो आपको मैं दिखाऊंगा। तो दोस्तों, ये हमारा EMMC अच्छी तरह से क्लीनिंग हो चुका है, और फिर आपको बॉक्स को उठाना है, और फिर आपको EMMC को बॉक्स के अंदर लगाना है। लेकिन एक बात का यहाँ पर आपको ध्यान रहे कि EMMC का जो नोज़ पॉइंट है, यहाँ पर देखिए ये जो नोज़ पॉइंट है, ये नोज़ पॉइंट उस बॉक्स में भी एक नोज़ पॉइंट है। उधर देखिए ये वाला जो नोज़ पॉइंट है, ये बॉक्स में भी इधर एक नोज़ पॉइंट है। तो आपको ये देखकर EMMC को अच्छी तरह से लगाना है, और फिर इस बॉक्स को एडेप्टर में लगाना है। तो ये बॉक्स को मैं एडेप्टर में लगा लेता हूँ। तो दोस्तों, ये हमारा सेकेंड स्टेप कनेक्ट EMMC ऑन EMMC एडेप्टर कम्प्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अगले स्टेप पर। तो दोस्तों, उसके बाद हमें PC स्क्रीन पर आना है, और फिर कनेक्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर कनेक्ट पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर कनेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप उसे कनेक्ट होने दें। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेडुसा प्रो 2 बॉक्स ख़रीदना चाहते हो तो मैं ZX मलिक का नंबर स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ, आप उनसे डायरेक्टली ख़रीद सकते हो। ये बिल्कुल जेन्युइन सेलर है, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनका नंबर दे दूँगा। तो दोस्तों, ये देखिए हमारा पूरी तरह से अच्छी तरह से कनेक्ट हो चुका है। ये हमारा RPM भी शो कर रहा है, इसे हमें क्लीन करना है। तो ये हमारा थर्ड स्टेप जो क्लिक ऑन कनेक्ट टैब, ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम जाएंगे फोर्थ स्टेप जो हमारा है कनेक्ट EMMC गो टू EMMC सर्विस। यहाँ पर आपको EMMC सर्विस पर आना है, और उसके बाद आपको EMMC फार्मवेयर पर जाना है। यहाँ पर जो EMMC फार्मवेयर है वहाँ पर क्लिक करना है। और उसके बाद हमें रीड EMMC फार्मवेयर पर क्लिक करना है। तो ये हमारा छठवां पॉइंट है, तो वो इसके लिए हमें रीड EMMC फार्मवेयर पर क्लिक करना है, और फिर एक फाइल को क्रिएट कर लेना है। एक न्यू फोल्डर में क्रिएट कर लेता हूँ, जहाँ पर हमारा वो जो EMMC का फार्मवेयर हमने रीड किया है वो हम यहाँ पर सेव रखेंगे। तो यहाँ पर मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लिया, और उसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर एक बात का ध्यान देना होगा कि हमने जो यहाँ पर रीड EMMC फार्मवेयर का जो फाइल सेव किया है वो आपको देखना पड़ेगा कि वो अच्छी तरह से सेव हुआ कि नहीं। तो मैं पहले वो चेक कर लेता हूँ कि हमने जो फाइल सेव किया है वो सेव हुआ कि नहीं। तो मैं यहाँ पर फोल्डर पर आ जाता हूँ, डेस्कटॉप पर, और उसके बाद हमने जो फाइल सिलेक्ट किया है वो मैं देख लेता हूँ पहले। यहाँ पर नहीं, थोड़ा ऊपर यहाँ पर सेव किया है हमने। तो ये देखिए, ये हमारा वो फाइल रहा जो हमने सेव किया है। तो आपको भी ये चेक कर लेना होगा कि आपने जो फाइल सेव किया है वो अच्छी तरह से सेव हुआ कि नहीं। तो दोस्तों, हमारा 7 नंबर जो स्टेप था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमको फिर से कनेक्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर फिर से हमको कनेक्ट पर क्लिक करना है, और फिर से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये ऑटोमेटिक कनेक्ट होगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी।
और हाँ दोस्तों, यहाँ पर कनेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो यहाँ पर जितना टाइम लगेगा आप लोग इंतज़ार करिए, कोई जल्दबाजी करने का काम नहीं है यहाँ पर, वो ऑटोमेटिक कनेक्ट होगा, कुछ करने का ज़रूरत नहीं है आपको। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा कनेक्ट हो चुका है, तो उसके बाद आपको जाना है ईएमएमसी सर्विस पर, आपको ईएमएमसी सर्विस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको ईएमएमसी फार्मवेयर पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको राइट ईएमएमसी फ्रॉम फाइल पर क्लिक करना है, फिर यस पर क्लिक करना है। फिर यस पर क्लिक करने के बाद आपको वो जो हमने फाइल पहले सेव किया है उसको सिलेक्ट करना है, तो मैं जो फोल्डर में सेव किया है यहाँ पर, और उसके बाद ये फाइल मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर ओपन करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा वो फाइल राइट हो रहा है और ये देखिए हमारा वो फाइल राइट हो चुका है अच्छे तरह से, ये सक्सेसफुली दिखा रहा है। और फिर दोस्तों हमें एक बार लास्ट बार कनेक्ट पर क्लिक करना है, यहाँ पर कनेक्ट पर क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आरपीएम भी अच्छी तरह से क्लीन हो चुका है, आप देख सकते हो, ये देखो हमारा आरपीएम भी अच्छी तरह से क्लीन हो चुका है। और मैं आपको ये ईएमएमसी का साइज भी दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये 128 GB का है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब तो कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा।